मोहाली कोतवाली क्षेत्र के जगन्नाथपुर गांव में बिरजू व उसकी पत्नी बैजंती की गला रेतकर हत्या कर दी गई। दंपति रामकोट थाना के गांव खटखरी के मूल निवासी थे। यह दोनों यहां पर जगन्नाथपुर में गांव के किनारे छप्पर डालकर रह रहे थे। करीब एक वर्ष पहले ही जमीन खरीदकर छप्पर डालकर उसी में रहते थे। जिस समय उनकी हत्या की गई, उस समय उनका 9 वर्ष का बेटा गगन भी मौजूद था। बेटे गगन ने बताया कि 3 नकाबपोश लोगों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। हमलावरों ने गले को कसने के लिए तार का भी इस्तेमाल किया है। अधेड़ बिरजू और उसकी पत्नी वैजंती की घर में ही हत्या हुई। दंपति की हत्या की सूचना पर एसपी मृगेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस पड़ताल में लगी है। जांच में पुलिस के अनुसार यह किसी करीबी का ही काम है। पति पत्नी की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। ये मर्डर हुआ है, उसके तुम क्या लगते हो? हमारा भाई है ये सगा। अच्छा, खटकरी खुर्द के रहने वाले। हाँ, जो आज फोन सुबह गया तो हमने आया तो देखा यहाँ पे ये लफड़ा, रंजिश किसी से है ही नहीं, हमारे वहाँ नहीं सर, यहाँ भी नहीं है सर। तो इस वजह से जो हम खबर पाई थे तत्काल हमने भाग कर आया, देखा ये हाल सर, उसमें क्या और कहें। किसी पे शंका है? किसी पे शंका सर हमको नहीं। कोई तो अभी अपने हाल में ही कोई जमीन अमीन अपनी बेची थी क्या? हाँ, जमीन सर बेची थी, 1 बीघा बेची थी, यहाँ 4 बीघे ली थी जमीन, 4.5 बीघे। तो उस जमीन का पूरा भुगतान इसको हो गया था कि नहीं हुआ था? सर इसका पूरा भुगतान नहीं हुआ था सर। और ये पैसा पाए हैं या ना पाए हैं सर, ये हमको भी नहीं मालूम, पूरा पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ। हत्या कर दी गई, इस पर मौके पे पुलिस मौजूद है और जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। हत्या का उद्देश्य कोई? अभी ये जानकारी नहीं आई है, क्योंकि घर पे कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं मौजूद है, जो एक बड़ा लड़का है उसको आना है।